अब डाइल्यूट करने के लिए पेशेंट को ताकत देने के लिए और श्रेष्ठ द्रव्य को बाहर निकालने के लिए हम लौड़ों तक पेशेंट को पिलाने जा रहे हैं। कल्पना नोट करें, ये चीज और ध्यान दें कि जितना द्रव्य हमने पिलाया है उसके अतिरिक्त द्रव्य निकलना चाहिए, तब आप समझिए अंत की मान की और वे की। आप समझ रहे ना, अंत की कितना होना चाहिए, मान की की बात करें, दो प्रश्न, डेढ़ प्रश्न और एक प्रश्न, और एक प्रश्न बराबर 16 पल, लेकिन पंचकर्म में इसको बदल दिया है परिभाषा, और 13.5 पल बराबर एक प्रश्न होता, और 13.5 बराबर 54 तोला, 54 तोला माने 540 के आसपास ये मात्रा आती है। तो जितना आप मोटा मोटा ध्यान रखें, कोई रिसर्च का मामला नहीं है, आप मोटा ध्यान रखें जितना द्रव्य पिलाया है उसके अतिरिक्त आना चाहिए, इसलिए जो बार नीचे वकट रखी है उसको नापना चाहिए कि कितना निकला और हमने कितना पिलाया, तब आपका अपमान सही हुआ, नहीं तो अगर आप अभ्यंतरगत द्रव्य है तो निश्चित रूप से 1 घंटे के बाद उसको मोशन होगा या वोमिटिंग, ताकि वो, क्योंकि वामक द्रव्य कभी रुक नहीं सकता, या तो अधोगति हो जाएगा या त्रिय गति होगा, त्रिय गति होगा तो स्फोट कोट कर्ण हृदय खाद शुद्धि गुरु का चाहिए लक्षण रोगी में प्राप्त होना चालू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, देखिए लौड़ो तक है, और 2 गिलास पी लिया, मैं चाहूंगा कि 4 गिलास आप पियोगे तो अच्छा होगा। चलिए फटाफट फटाफट, देखो संगी जी उधर चिंतित है, फटाफट पी, एक ही स्पून खत्म, एक ग्लास पूरे 5 लीटर चॉकलेट फटाफट हमारी पत्र कुंडली दिखाने की प्रोसीजर है और बस्ती द्रव्य कैसे तैयार करना है, कटी बस्ती की प्रोसीजर है और हमारा सारा प्री प्रोसीजर तैयार है, और आपके रोगी, हमारे रोगी भी तैयार है, और जब तक उनको टेबल पे ले आ जाए, पिछले दरवाजे से दूसरे टेबल पे, ये सर पेशेंट को जरा सर चेयर पर से उठने दीजिए, फिर तुरंत हम उसको बेड पर लेते हैं। अभी इसको धूम्रपान कराना है, और सचिव आपकी एक बात का छोटा सा उत्तर उसमें ऐड करना चाहता हूँ, कि जो आपने कहा था ईसीजी लेना चाहिए, तो जो मैं मेरे यूजी के स्टूडेंट्स हैं, ईसीजी के स्टूडेंट्स हैं, और भविष्य में अब आप देखे होंगे जो पानी निकल रहा है उसमें कोई द्रव्य नहीं दिख रहा है, इसके माने ये देखिए वर्ण थोड़ा से परिवर्तित है, लेकिन शुद्ध जल निकलने लगे तब समझ लीजिए जो वहाँ उपस्थित द्रव्य है, वामक द्रव्य है, वो बाहर निकल गया, और किसी भी प्रकार की कोई कष्ट रोगी को नहीं हो गया। आप देखिए अभी भी जो है काला निकल रहा है, वेरी गुड, हल्के हल्के लगाए, पेशेंट को ज्यादा तकलीफ ना हो, वेरी गुड वेरी गुड, निकालो वे। अब ये जो है ये अब लास्ट में पित्तांग की अवस्था आती है, अगर आएगी तो देखेगा आपको, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बार बार करना चाहिए, लाला स्राव भी निकले क्यों, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं बेटा, कैसा लग रहा है, है? इसके सम्यक लक्षणों में वामक वमन द्रव्य के, वामक के सम्यक लक्षण क्या है, वमन के हृत मोह, हृत जो अपने स्रोत है हृदय प्रदेश, वो हृत पार्श्व मूर्धा, इसमें पेशेंट को अच्छा लगे, हल्का हट लगे, और जब तक पेशेंट बोलेगा कि मेरे को भारी लग रहा है, पेट भारी है, हल्लास लग रहा है, तो तब तक समझिए वामक द्रव्य नहीं निकला है। हृत पार्श्व मूर्धेन्द्रे मार्ग शुद्ध तथा लघुत्व अभी चल लक्षण मान, और क्रमांत कम पित्त मथा लास, जैसे इतने समय भक्त आते, ठीक है। तो चूंकि मैंने पहले निवेदन किया कि जो वामक द्रव्य है वो उतना एक्टिव नहीं था, नहीं तो विद इन 10 मिनट में इतना वेग आते हैं कि हमें बाद में कई बार तो रोकना पड़ा, ठीक है। चूंकि स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ की दृष्टि से वमन ठीक हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निगम साहब, सुधीर शर्मा जी तैयारी करें। निगम सर एक क्वेश्चन है, निगम सर, हाँ बोलिए, मैं डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर सुधीर से एक रिक्वेस्ट है कि जो जिनकी बस्ती देनी है उनको पहले दे दें, क्योंकि इसके बाद उसको अग्निकर्म में करना है।
हां हां मैं सांगी सर का क्योंकि पेशेंट फिर चला जाएगा इसलिए उसको मैनेज कर ले मैं मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर मैं अगर अक्षतर पर हम पहले कर दें तो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पेशेंट पेशेंट इज अवेलेबल तो कब किसी के हो वी विल प्रोसेस फॉर स्पॉट द अक्षतर पर देन वी विल गो प्रोसेस फॉर द कटी पेशेंट अदर प्रोसेस दैट विल बी फाइन ओके अभी पेशेंट को गार्गलिंग करा रहे हैं गर्म पानी और नमक से बार बार करें ताकि चिपका हुआ जो कफ है वो बाहर निकल जाए और धूम्रपान इसलिए कराते हैं कि उत्प्रेस तो हो गया कफ का यदि स्रोतों में कफ कहीं जमा हुआ है तो उसको धूम्रपान के द्वारा निकालें धूम्रपान के बारे में बताऊं आपको कि आजकल धूम्रवर्तियों का प्रचलन हो गया है लेकिन धूम्रवर्तियां उपयोगी है इसमें कोई शक नहीं है पर वो संशोधनार्थ के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि धूम चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति है सिर्फ पश्चात कर्म नहीं है पश्चात कर्म में जो हम प्रयोग करते हैं आप यहाँ देख रहे हैं ये सिगार है और सिगार में जो द्रव्य है वह है यव कुट यव यव होता है तो उसको थोड़ा से दरोरा कर लेते हैं और रात्रि भर इसको हमने घी में भिगो के रखा यह एक क्लासिकल योग है चरक का दूसरा एक और बताऊँ आपको एरंडाल सूखी एरंडाल उसको छह अंगुल लंबी काट लीजिए क्योंकि दोनों तरफ से कोली रहती है और उसको घृत में भिगो कर रात्रि में रख दीजिए और उसका धूम्रपान करा सकते हैं और धूम्रपान कराना कैसे धूम्रपान कराना है कि धूम्र नस्य कराना है ये आपको ध्यान में लेना है लेकिन अगर उत्कृष्ट अवस्था हो जैसे इसमें उत्कृष्ट अवस्था है तो पहले नासा से धूम्रपान कराना चाहिए पहले वाम से तीन बार फिर दक्षिण से तीन बार फिर मुख से तीन बार और किसी भी हालत में नाक से धुआं नहीं निकालना है मुख से ही निकालना है लेकिन यदि उत्कृष्ट नहीं है तो पहले मुख से धूम्रपान कराना चाहिए तीन बार और उसके पश्चात वाम नासा और दक्षिण नासा तीन तीन बार ये आपको अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ चिकित्सा के लिए नहीं करना है यहाँ आप कर रहे हैं जो उत्कृष्ट है उसको निकालने के लिए अब देखो बेटा सुन लीजिए ये सुन लीजिए कैसे करना है ये जवा है ठीक है इसको क्या करने का ये देखो ऐसा नाक बंद करके इसको धुआं निकलेगा और धुआं मुंह से निकालेगा नाक से नहीं निकालना फिर इधर से लेना तीन बार इधर से तीन बार इधर और मुख से ही निकालना ठीक है और बाद में लास्ट में मुख से लेकर के मुख से ही निकालना ठीक है चलो पकड़िए पकड़ो बेटा राजकुमार स्टाइल में हाथी को गीत टच कर लीजिए हो गया हाँ निकल खींचो बेटा खींचोगे तो ज्यादा है हाँ मुंह से निकालो हाँ चलो कैमरा से जूम करके देखे धुआं निकलता निकाले मुंह से निकाल खींचो मुंह से निकाल हाँ फिर खींचो एक बार अच्छा नहीं खींच रहे हो तो हाँ मुंह से निकालो हाँ अभी इधर से करो खींचो हाँ मुंह से निकालो और अच्छे से खींचो से हाँ अब मुंह से निकालो जोर से खींचो ये चूंकि बहुत प्यारा लड़का है सिगरेट पी नहीं पीता है उसको पता ही नहीं कैसे पीना है तो इसलिए उसको जानकारी नहीं है आपने देखा होगा देहातों में जो गांजा पीते हैं है ना वो ऐसा खींचते हैं फिर लेकिन जो सिगरेट पीने वाले होते मुंह से पीते हैं पर फिर वो देखा होगा फिर गोला गोला बनाते हैं वो नहीं करने का है नाक से लेने के बाद मुंह से ही हमेशा निकाले इसके बाद आपको ऐसा खींचे ऊपर सांस खींचे बाहर निकालो ऐसा बार बार करो ऐसा अब एक नाक बंद करके ऊपर खींचो जोर से हाँ अब नाक निकालो खींचो
हाँ दूसरे से करो, वेरी गुड, फिर करो, जितना निकलना निकालो, रोकना नहीं। अब ये गार्गलिंग थोड़ा कर लो, ये गर्म पानी से गार्गलिंग कर लो। अब आपको पेशेंट को निर्देश करना है कि आपको क्या नहीं करना। तो मैंने पहले बताया था, ऊंचा बोलना, दिन को सोना, अहित आहार विहार का सेवन करना, उच्चैर भासम रथ क्षोभम, रथ क्षोभ माने स्कूटर क्षोभम, मोटरसाइकिल क्षोभम। आज के जमाने में रथ तो होते नहीं, तो क्षोभ तो होगा चाहे जिस गाड़ी में बैठे, तो वो पेशेंट को नहीं करना है। ठीक है, तो उच्चैर भासम रथ क्षोभम अतिचंद्रमणासने अजीर्ण अहित भोज्यचा दिवा स्वप्नम च दिवा स्वाम। ये सन्निकृष्ट कारण है कफ वृद्धि का। यदि आप पेशेंट को सुला दीजिए तत्काल कफ की वृद्धि होगी और पेशेंट को नुकसान होगा। तो ये बात आपको ध्यान, इतना ये पश्चात कर्म के रूप में है, पेशेंट को समझाए दे। चूंकि हमने ये मदन फल कर पिलाया मधुयष्टि में, इसलिए अब बिस्तर में भवन होने वाला नहीं है। लेकिन ये यदि बचा और सेंदौर से पिलाया होता तो निश्चित रूप से आपको वहां बेड पर रखना पड़ता। कई बार वोमिटिंग होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको मोशन तो नहीं लग रहा बेटा? तो ये आप मान के चलिए, चूंकि पित्तांत दिखा नहीं है तो मध्य शुद्धि मान के चले आप। और मध्य शुद्धि में आपको तीन दो दो दिन पिया, दो दो अंधकाल तक गले पी, और दो अंधकाल यूज, और दो अंधकाल मानसरस, मानसरस किसे कृष्णा पिया। पिया कैसे बनाना? तो पिया के लिए कहा है शुक धाने लेना, चावल का उल्लेख नहीं है, शुक धान। और शुक धान में चावल भी आता है, गेहूं भी आता है। अगर तमक श्वास का पेशेंट है, कफक का पेशेंट है, तो उसमें पेया काहे की देना चाहिए? चावल की नहीं, उसमें हम दलिया की पेया लेते, दलिया समझते हैं ना, दलिया की पेया लेते। हाँ, वातज व्याधियों में और पैतृक व्याधियों में, यदि कफक व्याधि है तो पेया हमेशा दलिया की देना चाहिए। ठीक है, पेया बनाना है तो 14 गुना पानी, पेशेंट को बताइए कि 50 ग्राम द्रव्य और 2 गिलास पानी। जब पानी पक जाए द्रव्य, ऊपर ऊपर का पानी लेना है, वो पेया हो गया। और 6 गुना, कई जगह 4 गुना भी है, 6 गुना लेते हैं पानी विलिपि में, 6 गुना पानी। और ऊपर का पक जाए, देख लें पक गया, तो अगर उसमें थोड़ा सिक्त भाग भी आ जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद होता है यूस। यूस हमेशा मूंग दाल का बनाया जाता है, छिलके वाली मूंग की दाल, और उसमें भी 50 ग्राम मूंग की दाल और 14 गुना पानी। और जब दाल पक जाए तो ऊपर ऊपर का पानी देना है। लेकिन पहले अन्नकाल में यूस दे रहे हैं, पहला अन्नकाल में, तो उसको आकृत देना चाहिए, उसमें कोई छौका बघारी या उसमें कोई लसोनी आदि कोई मरीच ये नहीं डालना चाहिए। लेकिन फिर दूसरा अन्नकाल जो देते हैं वो कृत करके देना चाहिए, थोड़ा से बघार करके दें तो पेशेंट को अच्छा लगेगा। क्या उल्टी लग रही है? लगे तो संकोच नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से संसर्जनकम दो दो अन्नकाल पेया विलेपी मकृतम कृतम चेसम रसम तृत्यो क्रमेण सेवित विशुद्ध गाया प्रधान मध्या अवर शुद्ध शुद्धाः। तो इस तरीके से संसर्जन करो रोगी में, और ये क्लासिकल है, इसमें परिवर्तन आपको नहीं करना। हाँ, आपको कोई तकलीफ होती है इसमें तो आप अपने एटमॉस्फेयर के आधार पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन संसर्जन कर यही करना चाहिए। इसके अलावा उष्णोदकोपचारी स्याद ब्रह्मचारी क्षपास्य, ये ध्यान देना, व्यायामम उच्चैर वचनम क्रोध शोको हेमातपोहित वर्जयेत प्रवातम च सेवेत शयनास्थम। उष्ण जल सबसे बड़ी चिकित्सा है पंचकर्म में। कोई भी व्यापार हो पहले उष्ण जल दीजिए, और जब से आप अभ्यान स्नेह पान चालू कराते हैं तब से आपको उष्ण जल देना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर उष्ण जल देते हैं तो पेशेंट को लाभ होता है, किसी भी प्रकार के व्यापक नहीं होते। अब थोड़ा से व्यापक के बारे में समझ लें, तब तक डॉक्टर साहब सुधीर जी उस पेशेंट को तैयार करें। डॉक्टर साहब, हाँ, पटना जी को बोलिए वो फिर से लगाए जानकारी हमको मिलते रहे कि क्या इंटरनल क्या परिवर्तन हो रहा है, ये भी हमको देखना चाहिए। धन्यवाद सर। अब आपको हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। अब वैतरणी बस्ती बड़ी प्रसिद्ध बस्ती है,
लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वहां चिंचा ना डाल करके अम्ल वितस डालें क्यों सर वो इसलिए है कि अम्ल अम्ल द्रव्य डालना चाहिए क्षार अवस्था में ये सिद्धांत है जी सर और चिंचा जो होता है वो बहुत ही अम्ल है